YouTube चैनल, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर सभी का। इस वीडियो में मैं यामाहा का एक 5.1 होम थिएटर है जिसका मॉडल है YST3072, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसके कनेक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसकी वायरिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें इस बारे में बताऊंगा। इसको कैसे प्लेस करना चाहिए, अपने घर में कैसे लगाना चाहिए, या इसका लगाने के लिए क्या बेसिक जानकारी होनी चाहिए, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी अगर और भी कोई आपके पास 5.1 होम थिएटर है तो उसको भी आप इस मेथड से प्लेस कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इस चैनल पर ऑलरेडी इस वाले होम थिएटर की अनबॉक्सिंग भी अवेलेबल है और इस वाले मॉडल का एक रिव्यू भी अवेलेबल है। आप ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे के रखूंगा और आई बटन में भी रहेगा, तो आप चाहें तो यामाहा YST3072 जो कि एक 5.1 चैनल होम थिएटर है, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होम थिएटर है, इसका रिव्यू और अनबॉक्सिंग ऑलरेडी इस चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। और इस होम थिएटर के साथ में एक स्पेशल माइक मिलता है जो कैलिब्रेशन करता है, उसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और इस वाले वीडियो में मैं इसके साथ में जो स्पीकर मिलते हैं, जो कंपोनेंट मिलते हैं, जो चीजें मिलती हैं, उसको बहुत ज्यादा आपको क्लोजअप पास से दिखाने की कोशिश करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन भी दूंगा इस होम थिएटर के बारे में। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, ये है यामाहा YST3072 का बॉक्स और इस वीडियो में इसी होम थिएटर जो कि एक 5.1 चैनल होम थिएटर है, इसको कैसे प्लेस करेंगे, कैसे लगाएंगे और इसके जो कंपोनेंट है, इसके साथ में जो स्पीकर मिले हुए हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातों को बताया जाएगा। ये इस तरह का बॉक्स है और इस चैनल पे ऑलरेडी इसका रिव्यू और अनबॉक्सिंग अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं। बट इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करूंगा और काफ़ी क्लोजअप से, काफ़ी पास से आपको इसके कंपोनेंट दिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप इसको पूरी तरह देख सकें और समझ सकें। अब हमें अपने 5.1 होम थिएटर को इस टीवी के साथ कनेक्ट करना है और उसका सेटअप करना है, यही मुझे आपको इस वीडियो में बताना है। मान लो ये हमारा टीवी है, तो हमें सबसे पहले लेफ्ट और राइट के स्पीकर का प्लेसमेंट करेंगे। ये मान लो टीवी है हमारा, तो मैंने इस टीवी का, आप देखिए हाइट देखिए, और इसके बगल में मैंने एक ये स्क्रू लगा रखा है, ये नट बोल्ट, इस पर हम लेफ्ट स्पीकर प्लेस करेंगे। तो इसकी जो डिस्टेंस है, मतलब ये इसकी डिस्टेंस जो टीवी से और इसकी यहाँ तक की डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस, ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। एक तो मैंने इसको ये सेट किया है। अब हम मान लो राइट वाला स्पीकर लगाएंगे, तो वो भी इधर आ जाइए, देखिए इसको भी हमने उसी तरह एक स्क्रू लगा रखा है, इस पर हम स्पीकर को माउंट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से और इसकी डिस्टेंस से बराबर है, यही इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इसको चाहे तो स्पीकर को और थोड़ा भी नीचे आप चाहे तो कर सकते हैं, और वैसे यही पोजीशन ज़्यादा ठीक है, आप इस पर ट्राई कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, काफ़ी लोग जो लेफ्ट और राइट के स्पीकर हैं उसको टीवी के नीचे यहीं पर रख देते हैं, यहाँ कहीं रख देते हैं, तो वो बड़ा खराब लगता है, यहाँ रख दिया नीचे कहीं, तो उतना अच्छा नहीं लगता है। स्पीकर को लेफ्ट और राइट को आप इस तरह से प्लेस करिए, यहाँ पे लेफ्ट स्पीकर हम लगा देंगे, इसकी टीवी से डिस्टेंस देख लीजिए, उसके बाद फिर हम ये राइट स्पीकर लगा देंगे, ठीक है। तो ये लेफ्ट और राइट के दोनों स्पीकर यहाँ पे लग जाएंगे। एक तो चीज़ ये प्लेसमेंट हो गया इस तरह से। दूसरी एक इस यहाँ पर ये भी चीज़ ध्यान रखी गई है कि ये स्पीकर जो राइट वाला लगेगा उसकी जमीन से हाइट यहां से बिल्कुल दूरी, बिल्कुल नाप के ये होल किए गए हैं, इसमें डिस्टेंस जरा सा भी आपको फर्क नहीं मिलेगा। और उसके बाद फिर जब आप इधर वाला लेफ्ट वाला स्पीकर देखिए, ये इसका जो यहां पे ये टंगेगा इस नट बोल्ट पे, इसकी जमीन से हाइट यहां से बिल्कुल बराबर मिलेगी आपको एकदम। और इधर टीवी से यहां तक की डिस्टेंस बिल्कुल बराबर, और राइट वाले का ठीक उसी तरह यहां से डिस्टेंस बिल्कुल बराबर, ये बिल्कुल मेजरिंग टेप से नाप के किया गया है, यही इसमें ध्यान रखना होता है। छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, लेफ्ट और राइट के स्पीकर का डिस्टेंस और प्लेसमेंट समझने के बाद अब हम बैक के दोनों स्पीकर को आपको बताएंगे।
ठीक उसी तरह बैक के स्पीकर के लिए भी एक यहाँ पे स्क्रू लगाया गया है और यहाँ पर हम बैक का स्पीकर लगाएंगे। बैक के स्पीकर भी जो होंगे वो लेफ्ट राइट जैसे ही होंगे, ये बैक में लग जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि ये जो स्क्रू बनाया गया है इसकी भी हाइट जमीन से बिल्कुल बराबर ली गई है, ठीक उसी प्रकार जो आपको अभी हमने फ्रंट वाले जो बताए थे स्पीकर, और इसका ये निशान बिल्कुल मैच करेगा इधर वाले से। ये देखिए लेफ्ट राइट वाला, हम वापस आपको ले जाते हैं उसी जगह। ये देखिए ये वाला पॉइंट लेफ्ट का, कहने का मतलब है लेफ्ट का पॉइंट और जो बैक वाले स्पीकर का पॉइंट है इसकी डिस्टेंस जमीन से बिल्कुल बराबर रहेगी और बिल्कुल एक दूसरे के आमने आमने सामने रहेंगे। ये दोनों निशान एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे, इसमें जरा सा भी चेंज नहीं होगा कहीं पर भी, क्योंकि ये सब मीजरिंग टेप से नाप कर बनाया गया है। ठीक है, इसी प्रकार जो बैक वाला स्पीकर है पीछे वाला उसका देखिए, एक एक पॉइंट ये हो गया, दो स्पीकर बैक के आएंगे, एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया पॉइंट, देखिए दूर से दिख रहा होगा। ठीक है, तो इनकी भी हाइट जमीन से बिल्कुल बराबर है और इन दोनों स्पीकर का डायरेक्शन फ्रंट और बैक बिल्कुल आमने सामने रहेंगे, इसमें एक सूत का भी अंतर नहीं होगा। अब भाई 5.1 होम थिएटर सेटअप कर रहे हैं तो इन सब चीजों का ध्यान तो रखना पड़ेगा, सराउंड सिस्टम सब इफेक्ट करना है। ऐसा भी नहीं होता कि इन दोनों स्पीकरों को पीछे वाले को आसमान पर टांग दो, हर चीज का एक हिसाब होता है, टेक्निकली सब चीजें समझने पड़ती हैं आपको, सराउंड इफेक्ट क्रिएट करना। दूसरा, आप सोफा पे रखा हुआ है, मान लो किसी के घर में सोफा है, किसी के घर में बेड है, तो आप इस पर भी तो बैठेंगे ना, तो बैठेंगे तो आप जब बैठेंगे तो कान का हाइट आएगा, तो कान के हाइट से भी इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि स्पीकर कितना ऊंचा रखना है, तभी तो आपको अच्छा इफेक्ट मिलेगा। तो अभी हमने आपको ये बताया कि लेफ्ट और राइट के स्पीकर का प्लेसमेंट और उसके बैक वाले दोनों स्पीकर का प्लेसमेंट आपको समझाने की कोशिश करी है कि आप अपने घर में कोई भी होम थिएटर लगाएं, ये तो सिर्फ एक बेसिक चीज हो गई है, एक आपको समझाने का तरीका है केवल। लेकिन इस वीडियो में हम जो लगाएंगे यामा का 5.1 होम थिएटर लगाएंगे जिसका मॉडल है YST 3072, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी 5.1 होम थिएटर के लिए काम करेगा। तो पहले तो आप इनका प्लेसमेंट समझ लीजिए, इनके होल्स वगैरह लेके कैसे क्या करने हैं, सब मीटरिंग टेप से ही आप करिएगा, इसमें कोई गलती ना करें। उसके बाद अब हम आपको दूसरी चीज बताते हैं। तो दोस्तों इस 5.1 होम थिएटर के साथ आपको जो चार स्पीकर मिलेंगे, दो तो फ्रंट के और दो बैक के, वो ये है। देखिए बैक से देखिए आप इस तरह से, ये स्पीकर इस तरह, ये अभी आपको मैं बैक दिखा रहा हूँ, अभी फ्रंट भी दिखाऊंगा। ये चार स्पीकर है, देखिए ये यामा की इस पर ब्रांडिंग रहेगी और इस पर लिखा होगा बाकायदा मॉडल नंबर, और 6 ओम का है, मैक्सिमम आउटपुट यामाहा कॉरपोरेशन, मेड इन इंडोनेशिया, और सीरियल नंबर भी रहेगा। जैसे इसमें लास्ट में देखिए सीरियल नंबर 400 है, ये 399, उससे कम, 399 और 400, ये तो एक सीरियल के हो गए, और इसके बाद 401, एक 401 और एक 402। ये चारों स्पीकर जो है बिल्कुल एक साइज के हैं, एक बराबर है, एक ही वेट है, इनमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, आप दो स्पीकर फ्रंट के लिए लगा लेंगे और दो स्पीकर बैक के लिए सेलेक्ट कर लेंगे। ये चारों स्पीकर बिल्कुल बराबर हैं और इसमें प्लस माइनस का भी निशान दिया हुआ है, जब हम वायर लगाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव सिरा लाल वाला होता है, प्लस इसमें प्लस का वायर आएगा, ये सभी पे निशान होगा, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो हम वायर का जब कनेक्शन अभी करेंगे तो अभी आपको वो बताएंगे, इसमें आप देखिएगा। और इसका आपको फ्रंट से भी दिखाते हैं ये स्पीकर कैसे हैं, कैसे लगते हैं, ये अभी आप बैक अच्छे से देख लीजिए, अब हम आपको फ्रंट दिखाते हैं इसका। ये इसका फ्रंट है, फ्रंट से देखिए ऐसे दिखेंगे आपको, देखिए फ्रंट से ये चारों स्पीकर का फ्रंट हो गया, ये देखिए। और इनके ऊपर जो ब्लैक रंग की ये जाली है ना, ये वाली, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत हल्की होती है, जरा सा भी दब जाए तो पता फटने और टूटने का डर है, तो इस पर ध्यान रखें, मतलब ये कहीं टकराए नहीं, ये जाली बहुत हल्की है, जरा सा प्रेशर या दबाव आ गया तो ये फट जाएगी, ये बहुत ध्यान रखना है इनमें। और ये इस तरह से आपको चारों स्पीकर मिलते हैं, ये मैंने आपको फ्रंट भी दिखाया है और इनका बैक भी दिखाया है। अब आपको हम दूसरी चीज बताते हैं कनेक्शन को। दोस्तों इस होम थिएटर के साथ आपको जो वायर मिलेगा वो काफी लंबा लेंथ में मिलता है ये वायर, और ये आपको कम नहीं पड़ेगा, पर्याप्त रहता है।
तो जो हमारे बैक वाले स्पीकर हैं पीछे वाले, उनके लिए इसकी लेंथ मतलब ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि बैक वाले स्पीकर मान लो अपना घर अलग अलग रूम हो सकता है, अलग अलग साइज हो सकता है, तो फिर इसको हमें घुमा के लगाना पड़ता है। बैक के स्पीकर तो घुमा के लगाने पड़ेंगे, मतलब वायर घूमता हुआ जाएगा फ्रंट वाले से, क्योंकि मेन तो पहले रिसीवर लगेगा, रिसीवर में सारे कनेक्शन जाएंगे चारों, मतलब स्पीकर के और बूफर के सारा कनेक्शन तो रिसीवर में जाएगा जो उसके साथ रिसीवर मिला है। और जो पीछे वाले बैक वाले जो स्पीकर हैं उसमें वायर घूम के जाएगा, तो इसकी लेंथ हमेशा ज़्यादा चाहिए होगी। और जो फ्रंट वाले दोनों स्पीकर हैं वो तो सीधा नीचे जाके कनेक्शन हो जाएंगे पास में ही, क्योंकि रिसीवर उनके बिल्कुल पास में होगा। तो फ्रंट वाले जो स्पीकर हैं उनका वायर का लेंथ आप पहले काटें, और जो बचेगा फिर हम वो बैक वाले के लिए रख लेंगे। और इसके साथ इस तरह का वायर मिलेगा, ठीक है, ये यामा का वायर है। इसमें अभी फोटो में आपको पता नहीं क्लियर दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा, एक वायर ब्लैक होगा, ब्लैक एक में ब्लैक धारी होगी और एक पूरा सफ़ेद होगा, इसमें ब्लैक नहीं होगा। तो ये जो काला वाला है ना, ये ब्लैक वाला, इसमें ब्लैक धारी है, तो ये लाल वाले पोर्ट में लगता है, मतलब स्पीकर के लाल वाले पोर्ट में, मतलब ये पॉजिटिव हो गया। मतलब ये जैसे ये वाला स्पीकर मैंने दिखाया था ना, इसमें प्लस और माइनस बने हुए हैं, तो ये वाला जो लाल है इसमें इसमें चला जाएगा, ये ब्लैक वाला जिस पर ये ब्लैक रंग का निशान है, ये पूरे वायर में ब्लैक रंग का निशान होगा, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव प्लस। हर स्पीकर में यही ध्यान रखना है कि जो ब्लैक वाला तार है, जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये हमेशा आपको पॉजिटिव वाले ये लाल वाले पोर्ट में लगाना है, और दूसरा वाला इसमें। सारे कनेक्शन इसी प्रकार से होंगे, क्योंकि हमेशा कोई भी तार होता है या कोई भी वायर होता है, इसमें एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है, तो प्लस और माइनस का भी इसमें बहुत ध्यान रखें, ऐसा ना हो इसको पलट दें, इसका इसमें लगा दें, इसका उसमें लगा दें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये रेड वाला जो है ये प्लस का है, तो और जो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, और ये जो निशान इसमें ब्लैक धारी होगी, जब आप बहुत ध्यान से देखेंगे आपको दिख जाएगा, हो सकता है आपको पिक्चर में ना क्लियर दिख रहा हो, ये ब्लैक है, इसमें ब्लैक धारी है एक निशान, ये ब्लैक वाला है। जब आपके पास होम थिएटर आएगा, जब आप देख लेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, एक ब्लैक होगा एक व्हाइट होगा, तो ब्लैक वाला जो है पॉजिटिव हो गया, वो लग जाएगा आपके इसमें। ये बहुत खास तौर से ध्यान रखना है। और ये जो स्पीकर इनके साथ मिले हैं, ये सारे एक जैसे ही स्पीकर हैं, सारे बराबर स्पीकर हैं, और ये वजन में काफ़ी हल्के होते हैं। इसका तकरीबन वजन जो है, वेट है, वो करीब 600 ग्राम के आसपास रहता है, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा, बड़े लाइट वेट होते हैं। यामा के अलावा अगर आप इलेक या पोल्क जैसे ब्रांड में जाएंगे, क्योंकि वो मैंने उसका भी मतलब देखा हुआ है, मैंने उसका भी डेमो लिया हुआ है, मेरे पास है तो नहीं लेकिन मैंने देखा है, वो वजन में बड़े भारी होते हैं। जैसे आप इलेक का स्पीकर उठाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हाथ में आपने ईंट उठा ली हो, बड़ा वजन होता है उसमें। ये बड़े लाइट वेट है, बड़े हल्के हैं। यामा का ये काफ़ी लाइट वेट और हल्का रहता है, ये वजन में मुश्किल से 600 ग्राम का है एक स्पीकर, और सारे स्पीकर एक जैसे बराबर हैं। तो कनेक्शन में वायर का मैंने आपको बता दिया, जो बैक वाला रहेगा स्पीकर उसके लिए वायर की लेंथ लंबी रही, जैसे मैंने अपने घर के हिसाब से अपने रूम के हिसाब से ये काट के रखा हुआ है, इतना वायर मेरे पीछे वाले बैग में लग जाएगा। ये डिस्टेंस देखिए, ये ज़्यादा चाहिए वायर। अब जो फ्रंट वाला है वो देखिए, फ्रंट में मेरा इतने से ही काम हो जाएगा, इतने वायर में ही काम हो जाएगा फ्रंट के दोनों में। ये मैंने ज़्यादा नहीं काटा, ये मैंने कम काट लिया, ये मैंने ये भी फ्रंट का है, दो फ्रंट के हो गए। ये देखिए दो फ्रंट के वायर हो गए, दो हो गए आपके बैक के, ये साफ आपको दिख रहा होगा। बैक वाले के लिए वायर ज़्यादा चाहिए होता है होम थिएटर में, चाहे कोई भी लगाए, यामा हो का या कोई भी 5.1 होम थिएटर हो, और फ्रंट के लिए वायर कम रही होता है। कोशिश करें कि फ्रंट वाले में बहुत ज़्यादा वायर को बर्बाद ना करें, ताकि आपको बैक में अगर कहीं दूर स्पीकर ले जाना है, थोड़ा आपका रूम लंबा है, अलग अलग सबका साइज होता है, उस प्रकार से वो सेट हो जाए। ये ध्यान रखना है, क्योंकि कटने के बाद फिर ज्वाइंट के लगाओगे नहीं, तो ऐसा काम ना करें, ये ध्यान रखें। दोस्तों एक चीज़ आपको और बता दूँ, जो ये स्पीकर यामा के मिलते हैं, इसमें एक पीछे ये होल टाइप का होता है, देखो स्क्रू, ठीक है। इस अगर आप इसमें लगाओगे, जैसे मैं जो स्पीकर अभी प्लेस करूंगा, मैं इस पे करूंगा, ठीक है। ये नॉर्मल स्क्रू होता है, जैसे कील की तरह होता है ना, पेंच वाले, उसको लगा देंगे इसमें, इसमें टंग जाएगा ऐसे करके, सीधे ऐसे ऐसे करके अटक जाएगा। एक ये भी नीचे ही दिया जाता है, तो ये पूरा एकदम गोल होता है, एकदम सर्किल। ये यामा के जो सिस्टम इसके साथ में तो आता नहीं, ये हमें मार्केट से अलग लेना पड़ेगा, ये अलग से मिलता है। अगर आप इसमें लगाओगे तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि आप स्पीकर को अगर आपने लगा दिया तो किसी भी डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो, ऐसे से कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा कुछ
स्क्रू इस टाइप के भी आते हैं कि अगर आप उसको इसमें प्लेस करोगे तो आप इनको टिल्ट भी कर सकते हो स्पीकर को, ऐसा भी व्यवस्था होती है, तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया है। अब होता क्या है, जैसे बैक वाले दोनों स्पीकर हैं, तो बैक वाले जो दोनों स्पीकर हैं तो उनको एकदम वैसे कायदे में तो इस तरह से स्ट्रेट तो नहीं लगाया जाता है। अगर आप इस वाले स्क्रू में लगाओ जो मैं बता रहा हूँ, तो आप उसको थोड़ा सा तिरछा कर सकते हो, यूं बैक वाले जो स्पीकर है थोड़ा सा टिल्ट होने चाहिए कायदे में, या थोड़ा यूं करके होने चाहिए उसका सही प्लेसमेंट, ये थोड़ा सा एंगल चाहिए होता है, बैक के दोनों स्पीकर में थोड़ा सा एंगल देना पड़ता है इस तरह से, तब जाके आपको बढ़िया सराउंड इफेक्ट मिलेगा। लेकिन अभी मेरे पास व्यवस्था है नहीं, अगर मैं लाऊंगा तो फिर मैं कोशिश करूंगा इस वाले में ही लगाऊं, अभी तो मैं इसी में प्लेस कर दूंगा। और चाहो तो आप बैक वाले पीछे स्पीकर को थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फ्रंट वाले से बिल्कुल सेम पोजीशन पर रखना चाहिए, सारी हाइट बराबर होनी चाहिए, लेकिन बैक वाले स्पीकर के साथ हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और है कि आप चाहो तो थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो, और अगर इस वाले स्क्रू में आपने लगा लिया तो आप इसको टिल्ट भी कर पाओगे, इस तरह भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते, क्योंकि वो सराउंड इफेक्ट है। जब मूवी चलेगी, कोई प्रोग्राम इस तरह का चलेगा, तब वो सराउंड इफेक्ट आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, वो कंटेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो बैक वाले स्पीकर के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा ये वाला, अगर नट बोल्ट मिल जाए मार्केट में, मैं ट्राई करूंगा, मेरे पास भी अभी है नहीं, तो इसमें लगाने की मैं कोशिश करूंगा, अभी तो मैं आपको इसी में प्लेस करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर हो रहा है, लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन होम थिएटर के बारे में बहुत कुछ आपको मैं बता रहा हूँ, तो एक ही वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यामा का है ये तो फॉर एग्जांपल होम थिएटर है, लेकिन आप अपने भी किसी भी प्रकार के होम थिएटर को इस तरह से प्लेस कर सकते हैं, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो वीडियो में बने रहिए, देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर है, और अब मैं आपको इसका मेन यूनिट दिखाऊंगा जो है इसका रिसीवर, मेन है इसका रिसीवर जो सबसे कॉस्टली आइटम है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि स्पीकर वगैरह सब आपको दिखा दिया, वायर के बारे में आपको बता दिया है, प्लेसमेंट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैंने देने की पूरी कोशिश करी है आपको, आप कैसे प्लेस करें। अब आप इसका मेन रिसीवर यूनिट देखिए, तो दोस्तों ये है इसका रिसीवर, ये है इसकी मेन यूनिट, जो सबसे महंगा आइटम इसमें यही है, सारा रिसीवर ही मेन कंट्रोल करता है, और ये रिसीवर का बॉक्स है, इस पर मॉडल नंबर भी मेंशन है STR3072, और भी जरूरी इंफॉर्मेशन इस पे मेंशन है, 5.1 चैनल, 4K अल्ट्रा SD, HDMI, डॉल्बी विजन, वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिक्चर क्वालिटी, ब्लूटूथ, ये है इसका बॉक्स। ठीक है, ऊपर भी कई चीजें उन्होंने मेंशन कर रखी हैं, वो भी देखिए आप, DTS HD से ये लेस है, इसमें मिलेगा आपको डॉल्बी ऑडियो मिलेगा, बाई PAO ये इसके संग कैलिब्रेशन माइक मिलता है जो आपके रूम के अकॉर्डिंग आपके साउंड को क्वालिटी को सेट करेगा, ये सबसे बढ़िया इसकी टेक्नोलॉजी है इस सिस्टम के साथ, बाई PAO माइक भी दिखाएंगे आपको, अभी दिखाएंगे जो सारा इसमें एक एक चीज कवर होगी, इनहेंसर कंप्रेस्ड म्यूजिक है तो उसको एनहेंस कर सकता है, सिनेमा DSP की डिजिटल टेक्नोलॉजी आती है, मूवी देखेंगे एकदम जबरदस्त मजा आने वाला है इसमें, ये बनाया गया पूरा मूवी के लिए है, डिजाइन ही इसको इसी तरह करा गया है, ये इसका बॉक्स है, और भी साइड में इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, इसका वजन कितना लिखा है 10 kg, इस पे वजन भी लिखा हुआ है 10 kg का, ये भारी है। ठीक है, ये इसका हो गया पूरा बॉक्स, इसके अंदर से रिसीवर निकालेंगे तब आपको दिखाएंगे, अभी हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं जो जो चीजें हैं इस वीडियो में, हर चीज आपको प्रॉपर दिखाई जाएगी, बस जल्दीबाजी में ना रहें, ध्यान से देखें, सब चीजें समझ में आएंगी, ये सब इंफॉर्मेशन इस पे मेंशन की गई है, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी से ये लेस है, डॉल्बी TTS अगलन झगलन जितने होते हैं सब कुछ तामझाम इसके अंदर है, कुछ बचा नहीं है इसके अंदर, बेहतरीन साउंड आपको मिलेगा, ये सब चीजें इसमें मेंशन की गई है। ठीक है दोस्तों, ये इसका हो गया रिसीवर, अब रिसीवर अंदर से निकाला जाएगा और वो आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, ये यामा का रिसीवर हमने बॉक्स से निकाल दिया है, इसको फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मेंशन है ब्लूटूथ HDMI DTS HD डॉल्बी ऑडियो, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये इसका रिसीवर है, सामने फ्रंट पे स्पेशली लिखा है सिनेमा DSP टेक्नोलॉजी, जो इनकी यामा की स्पेशल टेक्नोलॉजी है साउंड के लिए, मूवीज़ के लिए वॉल्यूम बटन, और पास से देखिए
एक ऑक्स का पोर्ट दिया गया है, एक यूएसबी लगाने के लिए, पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हैं आप, और भी कंट्रोल सारे दिए गए हैं यहाँ पे। ये देखिए, ध्यान से देखिए पूरा रिसीवर, बैक से भी दिखाएंगे भी आपको, फ्रंट देख लीजिए। ये देखिए, ये सारे बटन्स दिए गए हैं। एक ये इन्फो बटन दिया गया है, पहला वाला बटन, एक इन्फो भी दिख रहा होगा आपको, ये सबसे पहला वाला, ये बटन भी काफ़ी काम का होता है, और साउंड वगैरह डिकोडिंग के लिए बटन काफ़ी काम आता है इन्फो, इन्फो वाला बटन, ये सबसे पहला वाला, ये वाला बटन, इसको प्रेस करके हम साउंड को डिकोड करा सकते हैं। जैसे कोई भी कंटेंट चल रहा है तो इससे डिकोड हो जाएगा, मतलब डॉल्बी कंटेंट है, कौन सा कंटेंट, ये ऑडियो को डिकोड करता है, ये बटन काफ़ी काम आता है। ये यामा लिखा हुआ है, नेचुरल साउंड एवी रिसीवर STR3072 नेचुरल साउंड, यामा जाने भी जाते हैं नेचुरल साउंड के लिए। तो अब हम आपको बैक से दिखाते हैं रिसीवर। दोस्तों ये इसका बैक है, ये बैक देखिए ध्यान से, सारे इनपुट्स सब कुछ यहीं पे आपको मिलेगा। ये वाला पोर्ट है HDMI आउट, ये भी भले काम का पोर्ट है, HDMI आउट के लिए है। इसमें हम अपना TV का HDMI केबल इसमें लगाएंगे, HDMI आउट। इसके अलावा और भी HDMI पोर्ट दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4 बहुत सारे इनपुट दिए गए हैं, आप कोई भी इनपुट इसमें डाल सकते हो। और ये लाल हरे पीले वाले तो आजकल बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, ये RCA पॉइंट थे पहले पुराने टाइम के, इसको तो हम लोग इतना ज़्यादा यूज करते नहीं, अब तो सारा खेल HDMI से चलता है, तो ये HDMI वाले सपोर्ट हो जाएंगे। उसके अलावा ही इस पर बहुत सारी चीज़ें पीछे मेंशन है, ये वायर के बारे में डिस्प्ले दिया गया, वायर कैसा कटेगा, कितना लेंथ काटना है, ये दुनिया भर की सब चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। इसके अलावा ये जो स्पीकर हम लगाएंगे उसमें ये सब दिए गए हैं, जो मैंने आपको भी समझाया था, प्लस का निशान, माइनस का निशान, इस पर सब पे लिखा हुआ है, सेंटर स्पीकर कहाँ लगेगा, सनराउंड वाला कहाँ लगेगा, फ्रंट वाले कहाँ रखेंगे, सब कुछ लिखा हुआ है, पूरी रामायण लिखी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये भी सब चित्र वगैरह भी सब मेंशन किया हुआ है, किस तरह से प्लेसमेंट करना है, किस तरह से रखना, बहुत कुछ डिटेलिंग इस पे आपको मिलेगी। तो ये पीछे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप मतलब खुद से भी सब कुछ सेटअप कर सकते हैं, मैंने तो खुद से ही किया है। और जब आप अमेजोन से इसको ख़रीदते हैं तो कोई भी यामा की तरफ से इसको सेटअप करने के लिए नहीं आएगा, ये सारा सेटअप आपको खुद ही करना है। तो आप वीडियो को देख के भी समझ सकते हैं, और भी अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सेटअप करिए, समझ के सेटअप करिए, आराम से सेटअप इसको आप कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्योंकि सब चीज़ें इस पर मेंशन है, और इसके अलावा इसकी जो बुकलेट मिलती है, जो इसकी किताब मिलती है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सब लिखी हुई हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है कुछ ऐसा कहीं समझने की, बहुत आराम से आपको धीरे धीरे सब समझ में आ ही जाएगा। तो ये इसका बैक था दोस्तों, ये पूरा रिसीवर मैंने आपको कोशिश करी है मतलब पास से दिखाने की, बहुत क्लोजअप में कि किस तरह का होता है। और ये यामा की ब्रांडिंग भी लिखी रहती है, यामा कॉरपोरेशन मेड इन मलेशिया, ये सब लिखा हुआ है, इस तरह से ये पीछे मिलेगा। और ये वाला जो है मेन HDMI आउट, इसको TV से कनेक्ट करना हो तो इसमें हम अपना HDMI केबल इसमें हम डाल देंगे, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा भी और HDMI कई सारे दिए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कितना भी ऑडियो या कुछ भी आपको इन करके देना हो या कुछ भी यहाँ से निकालना हो, तो कोई भी इन अपन HDMI में दे देंगे अपन, मतलब बहुत ऑप्शन है इसमें। तो ये पूरा रिसीवर है जो मैंने आपको पास से दिखाने की कोशिश करी है, पूरा इस तरह से मिलता है जब आप 5.1 यामा होम थिएटर खरीदेंगे STR3072, ये उसका रिसीवर है। अब इसके आगे आपको हम सब बूफर दिखाएंगे। दोस्तों ये है यामा का बूफर, ये मैंने निकाल दिया डब्बे से, इसको आप देखिए ध्यान से, ये देखिए इस तरह का बूफर आपको मिलेगा यामा STR3072 जब आप 5.1 होम थिएटर खरीदेंगे। तो ये है इसका बूफर, बेहतरीन फिनिश एंड बिल्ड क्वालिटी, फिनिश का तो कोई जवाब ही नहीं है यामा का, देख के आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। इसकी क्वालिटी देखिए आप, इसकी फिनिशिंग क्वालिटी का कोई जोर है ही नहीं यामा की, लगता है यहाँ पैसा बर्बाद नहीं हुआ, पैसा सही जगह इन्वेस्ट किया है। इस तरह के प्रोडक्ट जब रहते हैं तो बहुत खुशी मिलती है कि कम से कम हमने सही चीज़ों में इन्वेस्ट किया अपना।
ये है यामा का रिसीवर। अभी आपको बैग से भी ढंग से दिखाएंगे, उधर घुमाते हैं ताकि आपको लाइट प्रॉपर मिल सके। अभी आप इधर से देखिए, बहुत बढ़िया बिल्ड एंड क्वालिटी डिज़ाइन देखिए आप कितना प्यारा है। ऊपर से हल्का कुछ कर्व जैसा भी उन्होंने दिया है, बहुत बढ़िया डिज़ाइन। ये इसका इधर होल दिया है साइड में एयर वगैरह पास होने के लिए। ये इसका सब वूफर इस तरह से आपको मिलता है। अब इसका बैक दिखा दें, ये इसका बैक है। यहाँ पे ये वाला जो बटन दिया गया है वॉल्यूम का, ठीक है, वॉल्यूम पे निशान बने हुए हैं, 1 से लेकर 10 तक बने हुए हैं। जब आप अपने इस वूफर को कनेक्ट करेंगे तो ये सलाह दी जाती है यामाहा की तरफ से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यामाहा की बुकलेट में भी लिखा हुआ है, सजेस्ट करते हैं कि इसके वॉल्यूम को हाफ पे रखें, मतलब हाफ मतलब इसमें 10 पॉइंट बने हुए हैं तो 5 पे रख दें, इस तरह करके निशान से आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे रखना है। इसको हाफ पे सेट किया जाता है, ये वॉल्यूम हमने हाफ पे सेट कर दिया, तीर का निशान बनाया नॉक और यहाँ दिए हैं पॉइंट 10 तक, तो उसको हाफ पर आप रखिए, उसके बाद ही इसको कनेक्ट रखिए, ठीक है। उसके अलावा इसके साथ में एक केबल और मिलती है इस तरह की, जो उसका कनेक्शन, इसको यहाँ पे आप इसमें एक पोर्ट आप इसमें लगा देंगे और इसका दूसरा वाला ये जो सिरा है इस केबल का, ये आपका रिसीवर में चला जाएगा और ये कनेक्ट हो जाएगा और पावर इससे आप इससे इसको पावर दे देंगे। ये है इसका बूफर जो हम आपको दिखाया है, पीछे से भी देख लीजिए इस तरह, और बहुत प्यारा बूफर है वाकई, मतलब बहुत साइज भी बड़ा अच्छा है और फिनिशिंग और बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ज़बरदस्त है, कोई जवाब नहीं इसका, बहुत अच्छा बहुत सुंदर। दोस्तों ये है इसका सेंटर स्पीकर, हम 4 स्पीकर आपको पहले ही दिखा चुके हैं, 2 फ्रंट के और 2 बैक के, और जो सेंटर स्पीकर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायलॉग्स के लिए। इसका डिजाइन थोड़ा अलग है, ये थोड़ा लंबाई में इन्होंने बनाया है इस तरह से, ये इसका सेंटर स्पीकर बहुत प्यारा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मैंने आपको बाद में दिखाया है जैसे जैसे बॉक्स में चीज़ें निकलती गई, ठीक है। एक कनेक्शन भी मैंने इसमें करके रख लिया है इस तरह से, ये मैंने कनेक्शन इसमें कर दिया है अपना, जो रेड वाला है पॉजिटिव वाला और दूसरा निगेटिव वाला, ये इस तरह से सेंटर स्पीकर आपको मिलेगा। इस पर सब डिटेलिंग भी पीछे लिखी रहेगी, मॉडल सब ये चीज़ें लिखी रहेंगी, ठीक है। ये इसका आपका सेंटर स्पीकर हो गया, बहुत प्यारा सेंटर स्पीकर है, इस तरह से आपको मिलेगा। बस ये इनकी जो नेट है ना, ये जाली, ये बड़ी मतलब कमज़ोर सी लगती है, ऐसा लगता है कहीं कुछ प्रेशर कुछ लग जाए तो फट सकती है, थोड़ा संभाल के बस इसको रखना है ध्यान से। तो ये दोस्तों इसका सेंटर स्पीकर हो गया। इस 5.1 होम थिएटर में मैंने लगभग सारे कंपोनेंट आपको दिखा दिए हैं, और एक चीज़ और बची है जो इसके संग स्पेशल मिलती है, वो है BIPAO माइक कैलिब्रेशन करने के लिए। अब आपको वो दिखाते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो माइक से कैलिब्रेशन करने पर इसमें अपने आप यामाहा होम थिएटर की जो बेस्ट सेटिंग होनी चाहिए रूम के अकॉर्डिंग, सबका रूम अलग अलग होता है, एवरी रूम इज डिफरेंट, उसके अकॉर्डिंग ये सेटिंग सेट कर लेता है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो लास्ट कंपोनेंट अभी आपको और दिखाते हैं माइक। दोस्तों ये रहा इसका माइक, कैलिब्रेशन माइक BIPAO माइक, ये रहा आपका दूसरा सिरा, बहुत लंबी वायर मिलती है, ये सिरा यामा के रिसीवर में एक पोर्ट दिया गया है माइक का, उसमें चला जाएगा, और इस वाले सिरे को आप अपने कमरे के बीचों बीच रखें, थोड़ा हाइट पर रखें। मैंने ऑलरेडी इसके कैलिब्रेशन को लेके एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं, और उसको सेंटर में रखा जाता है कमरे के बीचों बीच, और इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए जो आपके कान तक पहुंच सके, और फिर इसको कैलिब्रेशन करने के लिए रिमोट में हम बटन को प्रेस कर देते हैं और ये कैलिब्रेशन करके डिफ़ॉल्ट सेटिंग निकाल के हमें दे देता है। और हमारा होम थिएटर यदि टीवी से कनेक्ट है तो हम सारी सेटिंग को टीवी पर देख पाएंगे। बस इसमें ये ध्यान रखिए, जब आप ये कैलिब्रेशन करें तो रूम बिल्कुल बंद होना चाहिए और बाहर किसी तरह की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो मैं तो कैलिब्रेशन रात के 12 बजे के बाद ही कोशिश करता हूँ करने की, क्योंकि आवाज़ें बहुत आती रहती हैं, पंखे अंखे सब बंद होने चाहिए, और कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ आपका घर है जहाँ पर कुत्ते उत्ते भौंक रहे हैं रात में, तो ऐसी जगहों को अवॉइड करें, शांति में ये कैलिब्रेशन किया जाता है ताकि आपको सेटिंग प्रॉपर मिल सके। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं, बेसिक चीज़ें छोटी छोटी जो बड़ी काम आती हैं। तो ये इस यूनिट के साथ सबसे अच्छी चीज़ है, और जो उसका पुराना वाला मॉडल है इसका 1840, उसके साथ ये व्यवस्था नहीं है, तो ये इसकी बहुत बेहतरीन चीज़ है, इसकी ब्यूटी है। क्योंकि हम क्या बार बार सेटिंग करेंगे, कभी
बेस बढ़ाओ, कभी लेफ्ट बढ़ाओ, कभी राइट बढ़ाओ, कभी बैक के चीज़ों को बढ़ाओ, साउंड को, मतलब मज़ा नहीं आता है। रूम के अकॉर्डिंग कितना सेटिंग होना चाहिए अपने आप निकल कर आना चाहिए कि हमें लेफ्ट का क्या सेटिंग आएगा, राइट का क्या सेटिंग आएगा, सभी स्पीकर का मतलब अपने आप सेट हो जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, उसका डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने एक बनाया है बाई पी ए ओ कैलिब्रेशन, वो आप देख सकते हैं मेरे इस चैनल पर, तो उसमें आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाया है। यहाँ पर तो मैं इस वाले होम थिएटर का बहुत ज़्यादा क्लोजअप दिखा रहा हूँ, मतलब एक एक चीज़ों को आपको ओपन करके सब दिखाया जा रहा है। इस वीडियो में यही पर्पज़ था कि एक एक चीज़ों को बड़े डेप्थ में और बिल्कुल पास से दिखाया जाए ताकि आपको समझने में आसानी रहे, यही इस वीडियो का पर्पज़ है। और इसकी लगभग सभी कंपोनेंट मैंने लगभग दिखा दिए हैं और अब मैं इसको अपने घर में सेट करूँगा, वायरिंग को सेट करूँगा, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। रिसीवर के अंदर सारा कनेक्शन कर दिया गया है, जो भी इसमें स्पीकर हैं फ्रंट के, बैक के और डायलॉग स्पीकर, ये सारा कनेक्शन इसमें कर दिया गया, ये देख लीजिए। और इसके अलावा ये वाला जो पोर्ट है ये सब वूफर के लिए होता है, एक पोर्ट इसमें चला जाएगा सब वूफर का और ये दूसरा सिरा सब वूफर में लग जाएगा। उसके अलावा जो टीवी का कनेक्शन है वो एचडीएमआई मैंने यहाँ पे दे दिया है, ये एचडीएमआई आउट इसमें लग जाएगा टीवी का। ये सारा कनेक्शन बिल्कुल रेडी है, ये आप ध्यान से देखिए इसको, फ्रेंड्स दोस्तों होम थिएटर का पूरा सेटअप हो चुका है। अब आप देखिए घर के अंदर किस तरह से ये लगाया गया है, पूरा देखिए कितना सफाई से लगाया है, एक भी वायर इधर उधर आपको कहीं भी फैला हुआ नहीं मिलेगा, बिल्कुल साफ तरीके से मिलेगा आपको, देखिए कहीं पे कोई वायरिंग इस तरह से नहीं मिलेगी जैसे नॉर्मली अक्सर देखा जाता है लोग टीवी के पास सब फैला के बैठ जाते हैं सारा रख के, उस तरह से यहाँ नहीं है, बहुत विधिवत तरीके से लगाया है प्रॉपर तरीके से। ये देखिए रिसीवर को पूरा ढक कर रखा गया है प्रॉपर तरीके से, जब चलाना हो तो ये टॉवल हटा देंगे ताकि धूल मिट्टी वगैरह ना जाए, क्योंकि रिसीवर बहुत सेंसिटिव होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। उसके अलावा सेंटर स्पीकर को टीवी के नीचे इस तरह टेबल में लगा दिया है, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं इसका एक्चुअली, इस तरह से पूरा प्लेसमेंट किया है। ये देखिए दोनों स्पीकर और ये नीचे पोजिशन देखिए, इस तरह से साफ सफाई से लगाए, कहीं पर भी कोई तार आपको फैला हुआ नहीं मिलेगा इस तरह से। उसके बाद पीछे वाले स्पीकर देखिए, दोनों पीछे वाला दिखाते हैं आपको बैक के, ये देखिए ये बैक के स्पीकर दोनों लग गए, ये देखिए देखिए कितना सही तरीके से एकदम प्लेसमेंट किया है, कहीं पर भी कोई फैलाया नहीं है वायर वगैरह, ध्यान से बहुत तरीके से इसको सब सेटल किया गया है। इसी तरह से आप लोग भी कोई भी 5.1 होम थिएटर को लगा सकते हैं अपने घर में, सेटअप कर सकते हैं। वैसे तो ये यामाहा के लिए पूरा वीडियो था, कंप्लीट वीडियो यामाहा के लिए ही बनाया गया है, एक तरह से बहुत क्लोजअप में चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई है, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर है, लंबा जरूर है, बट काफ़ी हेल्पफुल है। इस अगर आप पूरे वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आपको प्रॉपर गाइडलाइन इस वीडियो से मिली होगी। और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैंने इसको और थोड़ा डेकोरेट कर दिया है आर्टिफिशियल, ये पत्तियों की बेल है, इसको मैंने इसी वायर के ऊपर ही लगा दिया है, इसको वायर को छुपा दिया है, मतलब थोड़ा सुंदर लग रहा है, ऐसे भी मैं कर देता हूँ कभी कभी, मेरे दिमाग में आया तो मैंने कर दिया है इस तरह से, अच्छा लग रहा है, ठीक है। और इधर वाला जो स्पीकर है राइट वाला, उसमें भी मैंने इस तरह से लगा दिया है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, और पीछे वाले स्पीकर में भी कर रखा है, ये यहाँ पर इस तरह पीछे वाला स्पीकर हो गए दोनों, ये यहाँ इस तरह से वायरिंग के ऊपर, आप भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, ऐसा कर सकते हैं आप। तो ये पूरा सेटअप हो चुका है बहुत अच्छी तरह, कहीं पर भी आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा वायर फैला हुआ है, जबकि नॉर्मली कई बार देखा है लोग टीवी के पास ही सब अपने तार वार स्पीकर फैला के बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत क्लीन आपको मिलेगा सारा कनेक्शन सब चीज़ें, कहीं कोई वायर इधर उधर नहीं मिलेगा।
तो इस वीडियो बहुत बड़ा था दोस्तों, तो मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी है, एक गाइडलाइन देने की कोशिश करी है, और चैनल पर बने रहने के लिए अगेन थैंक यू वेरी मच।